नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह और आप देख रहे हैं सीटीओ न्यूज। खबरें औरंगाबाद यानी औरंगाबाद की खबरें। तो आइए आज के हमारे इस सेगमेंट में देखिए कुछ खबरें औरंगाबाद शहर और औरंगाबाद जिले की। हम हाजिर हैं आज औरंगाबाद से जुड़ी कुछ अलग, कुछ खास, अपनापन, जमीनी और दिलचस्प खबरों की इस बुलेटिन के साथ। मौसम का मिजाज, तपती धूप के साथ पारा बढ़कर पहुंचा 42 डिग्री के पार। एक्शन में औरंगाबाद पुलिस, कुल गिरफ्तार कर जेल भेजे गए अभियुक्तों की संख्या 26, वाहन जांच में 17,000 राजस्व वसूली, कई कांडों में जब्ती भी हुई। औरंगाबाद पुलिस का मद्यनिषेध अभियान निरंतर जारी है। औरंगाबाद पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में बारुण थाना द्वारा सोन नदी दियारा में अवैध शराब के विरुद्ध छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में 10,000 लीटर महुआ जावा पास बरामद कर यथास्थान विनष्ट किया गया एवं 2 अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त भी किया गया। 30 लीटर देसी महुआ शराब एवं 21 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त भी किया गया। साथ ही 3 शराब कारोबारी को गिरफ्तार भी किया गया। औरंगाबाद पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस पब्लिक मैत्री एवं समाज में शांति एवं सद्भावना स्थापित करने के उद्देश्य से जिला के बारुण एवं फेसर थाना द्वारा वॉलीबॉल मैच का आयोजन किया गया। औरंगाबाद बारुण थाना क्षेत्र के प्रीतमपुर समीप NH पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक में मारी टक्कर, मौके पर एक युवक की हुई मौत। औरंगाबाद मुगसिल थाना क्षेत्र के ढाबी गांव समीप छिनतई का विरोध कर अपराधियों ने एक युवक को खूब पीटा, जिसके कारण युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। औरंगाबाद नबीनगर के शंकरपुर गांव में खाना बनाने के दौरान आग से एक महिला घायल, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। औरंगाबाद दाऊदनगर थाना क्षेत्र के इकोरा गांव में सरकारी जमीन पर कूड़ा हटाने के विवाद को लेकर एक युवक को टांगे से मारकर गंभीर रूप से घायल किया। इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाजत और हर दिन देखना ना भूले औरंगाबाद से जुड़ा कुछ अलग, कुछ खास न्यूज का बुलेटिन, खबरें औरंगाबाद।